गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था प्राइमरी की। प्राइमरी की को मैंने आपको सिंटैक्स एग्जांपल विथ इम्प्लीमेंटेशन करके बताया हुआ था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइमरी की के बाद दूसरा कॉन्स्टेंट, ये हमारा पहला कॉन्स्टेंट था, आपने देखा ये हमारा पहला कॉन्स्टेंट था। इसको हमने कॉलम लेवल लगाया, टेबल लेवल यूज किया, दोनों प्रकार के सिंटेक्स देखे और दोनों प्रकार से एग्जाम्पल भी बनाया। अब बात करता हूँ मैं नॉट नल कॉन्स्टेंट, ध्यान दें दूसरा कॉन्स्टेंट नॉट नल कॉन्स्टेंट, आप कॉपी में नोट करिए। दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर्स ऑल रो इन द टेबल कंटेन्स ए डिफाइनाइट वैल्यू फॉर द कॉलम विच इज स्पेसिफाइड एज ए नॉट नल, विच मीन्स ए नल वैल्यू इज नॉट। मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में होता क्या है, यदि हम कोई भी कॉलम बना लेते हैं वो बाई डिफॉल्ट नल होता है, यानी कि हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाकी में डेटा एंटर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, लेकिन जिस कॉलम को हम नॉट नल कर देंगे उसमें वैल्यू देना मस्ट हो जाए, हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से नॉट नल कॉन्स्टेंट का मीन्स है, मान लीजिए नेम में नॉट नल कॉन्स्टेंट हमने इंप्लीमेंट किया तो हम नेम देना कंपलसरी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट हो सकता कि नहीं, क्योंकि वो तो प्राइमरी की कंडीशन थी, आपको देना पड़ेगा। आप डुप्लीकेट भी रह सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू देना मस्ट हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंटैक्स सेम, टेबल लेवल कॉलम लेवल। देखिए मैं अब हर बार नहीं बताऊंगा, सभी में टेबल लेवल और कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल समझाता चलूंगा। आप जब भी बनाएंगे ये भी आपका ऑप्शनल है, कॉन्स्टेंट नेम और नॉट नल, या हम डायरेक्ट नॉट नल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, यदि हम उसका नाम देना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंट नेम लिया और नॉट नल, या डायरेक्ट नॉट नल भी हम यूज कर सकते थे। ओके, कैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इसका टेबल नेम चेंज कर लेते हैं। लीजिए लिया मैंने, इसको रन किया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोन नंबर देख लेते हैं, टेबल क्रिएटेड। ये देखिए यहाँ पे नेम में नॉट नल लग गया, हम इसको अब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नेम में हमको वैल्यू देना ही पड़ेगा। कैसे, जब हम इंसर्ट करेंगे मान के चलिए हम चाहें कि आईडी दे दें, ठीक है, नेम डी पी टी, हम इतनी वैल्यू सिर्फ स्टोर कराना चाहें। ये वैल्यू सिर्फ तीन फील्ड में हमने वैल्यू इंसर्ट किया और इस कमांड को मैंने रन किया, देखिए वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहूँ कि नेम ना दे, ओके, मैं नेम हटाता हूँ यहाँ से, आईडी या सिर्फ डिपार्टमेंट देना चाहता हूँ, क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि नेम देना आपका मस्ट हो जाएगा उसमें, नॉट कैन नॉट इंसर्ट द नल, ये नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती है। दूसरा ये जो नाम है इसको हम ना भी दें तो भी नॉट नल लग जाएगा,
नो प्रॉब्लम, मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल, एम्प्लॉय वन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके, और टू को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, टेबल डिलीट हो गई। अब मैं यदि यहाँ ऐसे कॉन्स्टेंट यूज करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, देखो टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मान के चलिए मैं इसमें भी नॉट नल लगाना चाहता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, आईडी भी नॉट नल हो गया, नेम भी नॉट नल हो गया, और एज में भी मैं नॉट नल चाहता हूँ, मैं मल्टीपल क्या नॉट नल यूज कर सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हमें एक से अधिक फील्ड में कॉलम लेवल में ही नॉट नल लगाना है, तो यहाँ पे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, रन किया, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ओके, नेम हो गया, और यहाँ पे आप ये ध्यान दें जब भी आइडेंटिफायर्स लगाएं तो उसके बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और रन किया, टेबल क्रिएटेड। आप मल्टीपल नॉट नल कमांड का यूज आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिसमें आपने नॉट नल लगा दिया है उन पे आपको वैल्यू देना मस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये टेबल रख देता हूँ जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये देखिए मैंने मल्टीपल नॉट नल यूज किया है, यानी कि कैसे, ध्यान दें आप, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, आईडी लिया, आईडी को नॉट नल किया, अब इसके और इसके बीच में कॉमा नहीं होगा, नॉट नल के बाद मैंने नेम लिया, नेम को भी नॉट नल किया, डिपार्टमेंट मैंने ब्लैंक छोड़ा, एज को भी नॉट नल बना दिया और सैलरी को भी बना दिया लोकेशन। तो आप ऐसे मल्टीपल नॉट नल यूज कर सकते हैं लोग, ओके, लेकिन मान के चलो जैसे मैंने नॉट नल यूज किया, क्या मैं ऐसे प्राइमरी की भी ये यूज कर सकता हूँ? मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक बार मैंने लिखा, और मान लीजिए मैं इसमें भी प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ, प्राइमरी की। अब देखिए मैं इस टेबल को डिलीट करके, डिलीट है, फिर से बना रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी, आप एक से अधिक प्राइमरी की का यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी की को यदि एक से अधिक कॉलम में लगाना है तो उसके लिए आपको कंपोजिट की ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि टेबल लेवल ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन नॉटनल यदि आपको यूज करना है तो आप कॉलम लेवल में एक से अधिक नॉटनल लगा सकते हैं। ये मैं आपको विशेष डिफरेंस समझा, मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। प्राइमरी की को आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक से अधिक यदि आपको प्राइमरी की चाहिए तो उसके लिए आपको उसको क्या बनाना है, कंपोजिट की बनाना है। नॉट नल को आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब हमारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि मान लीजिए हम नॉट नल कंपोजिट बनाए तो क्या बनेगा कि नहीं, मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि टेबल लेवल जैसे ये कॉन्स्टेंट हमने डिफाइन किए थे, और यहाँ पे प्राइमरी की बनाना मैंने मल्टीपल कॉलम पे बताया था, क्या नॉट नल को भी मैं मल्टीपल कॉलम में प्राइमरी की बना सकता हूँ? यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट नल, और मान लीजिए दिया आईडी, ओके, दो फील्ड मैंने नॉट नल बनाया,
अब मैं इसको रन करूं, पहले तो इसको मैं डिलीट कर दूं, ओके डिलीट है। अब मैंने इसको रन किया, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स नॉट, मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसको जो हम यूज करेंगे किसमें करेंगे, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, यानी सीधा सीधा हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे कंपोजिट के लिए, क्योंकि हम इसको कॉलम लेवल में आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमको दोनों में नॉट नल बनाना था तो मैं डायरेक्ट यहाँ नॉट नल लिख सकता था, इसको और इसको, ये देखिए। तो हम कॉलम लेवल इसका यूज करेंगे, नॉट नल को कैसे यूज करेंगे, कॉलम लेवल यूज करेंगे, और प्राइमरी की को जो यूज करेंगे वो कैसा करेंगे, यदि एक कॉलम में हमको बनाना है तो कॉलम लेवल यूज करेंगे, एक से अधिक कॉलम में बनाना है तो क्या यूज करेंगे हम, टेबल लेवल। अब आपके दिमाग में शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट है यूनिक, सेम जैसे नॉट नल है, तीसरा कॉन्स्टेंट आप नोट करिए यूनिक कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको नॉट नल बताया सेम उसी प्रकार से यूनिक भी काम करता है, कॉलम लेवल पे काम करता है, मल्टीपल काम करता है, बस आपको करना क्या है, यूनिक का मतलब क्या है, नॉट नल का मतलब है कि हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, और यूनिक का मतलब उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। कैसे, इंप्लीमेंट सेम करेंगे, दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट द कॉलम ग्रुप ऑफ द कॉलम ईच रो हैव द डिस्ट्रिंक्ट वैल्यू, डिस्ट्रिंक्ट वैल्यू का मतलब है कि अद्वितीय वैल्यू जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना, सेम इंप्लीमेंट करने का सेम तरीका होगा, यूनिक लिख देना है सिंपल सा, नॉट नल की जगह हम क्या यूज कर देंगे, यूनिक, प्राइमरी की बनाया, लोकेशन को यूनिक कर दिया तो यूनिक हो गया। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रेंट लोकेशन नाम भी उसका दे सकते हैं, दो तरीके से यूज किया जा सकता है। इसको हम टेबल लेवल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टेबल लेवल के रूप में भी लोकेशन, और इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए तीनों तरीके हमने देखा, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहीं पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसको यूनिक बनाना, तो मैं यूनिक लिख दूंगा सिंपल सा, मैंने इसको यूनिक लिख दिया और सीधा सा चलाया, ये देखिए बन गया। अब इसमें यूनिक वैल्यू स्टोर हो, ठीक है, क्या मल्टीपल मैं यूनिक स्टोर कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको चेक करा दूं। इसको मैंने डिलीट किया, मैं दो को यूनिक बनाना चाहता हूँ, क्या दो यूनिक हो सकते हैं, यूनिक जैसे मैंने नॉट नल का यूज किया था वैसे यूनिक कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप आसानी के साथ, जैसे ये नॉट नल का एग्जाम्पल है वैसे ही सेम यूनिक का भी हो सकता है, मल्टीपल फील्ड में कॉलम लेवल में आप इसको यूनिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, ओके। एक तो ये एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। दूसरी बात मैं और आपको बताऊंगा, ये भी जो मैंने यूज किया कॉलम लेवल यूज किया, क्या मैं इसको टेबल लेवल यूज कर सकता हूँ, टेबल लेवल का मीन्स है कि मैं इसको टेबल को पहले तो मैं डिलीट करूंगा और यहां से यूनिक हटाकर और यहां से यूनिक हटाकर, ओके, जैसा कि मैंने यहां बताया आपको टेबल लेवल यूनिक कॉलम, यहां पे टेबल लेवल की यदि बात करें, कॉलम लेवल है टेबल लेवल, ऐसे इस तरीके से कॉन्स्टेंट को दे सकते हैं। नाम तो आपका जो है वो आपको ऑप्शनल है, आप देना चाहें दें, ना देना चाहें तो ना दें, यूनिक, ओके। और मान लीजिए हमको देना है आईडी, यूनिक का मतलब है कि दो से अधिक फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको मैंने बनाया और इसको मैंने रन किया, टेबल क्रिएटेड। इसको हम टेबल लेवल में यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट नल को टेबल लेवल में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ कॉलम लेवल यूज करते हैं। इसको हम मल्टीपल कॉलम में भी लगा सकते हैं,
और टेबल लेवल भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत मेजर डिफरेंस बताता चल रहा हूँ, जिनको आपको एक भी डाउट नहीं होंगे, पूरे डाउट क्लियर के साथ मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। आप ये जरूर एग्जाम्पल लिखते जाएं, जब आगे हम पढ़ लेंगे तो आप भूलने लगेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल मिलेगा नहीं, फिर वीडियो भी नहीं पता चलेगा किस वीडियो में बताया गया था। इसलिए आप कॉपी में नोट करते चलें। ये देखिए, ये इसका टेबल लेवल कॉन्स्टेंट हो गया। यहाँ पे मैंने दो फील्ड पे यूनिक लगा दिया, यानी कि आईडी और नेम दोनों यूनिक हो गए। इसमें मैंने मल्टीपल कॉलम लेवल यूज किया, यहाँ भी यूनिक लगाया, नेम में भी यूनिक लगाया, तो मल्टीपल कॉलम लेवल में भी इस कॉन्स्टेंट को यूज किया जा सकता है और टेबल लेवल में भी यूज किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, हमने दो कॉन्स्टेंट सीखे, नॉट नल और यूनिक। अब प्राइमरी की में ये दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं, यदि प्राइमरी की लगा देते हैं तो ये दोनों कॉन्स्टेंट ऑटोमेटिक लग जाते हैं, यानी कि उसमें वैल्यू को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं और डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो क्या मैं किसी कॉलम में दोनों कॉन्स्टेंट एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यानी कि नॉट नल भी बना दूं और यूनिक भी बना दूं? इससे क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कॉलम में हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं, प्राइमरी की को टेबल लेवल ही यूज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। तो यदि मैं दोनों कॉन्स्टेंट एक साथ इंप्लीमेंट कर दूं तो वो कॉलम क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। तो आइए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कैसे। अरे तो इस टेबल को मैंने डिलीट किया, ओके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैंने यूनिक हटाया, ओके। आईडी है, मैं इसको नॉट नल चाहता हूँ, नॉट नल लगाया, ओके। और इसी में मैं यूनिक चाहता हूँ, क्या ऐसा यदि हो जाए बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। आईडी हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी, और ये कॉन्स्टेंट तो हम मल्टीपल भी लगा सकते हैं, तो एक से अधिक में भी हमारे लग जाएंगे। चलिए रन करते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, मतलब कहीं ना कहीं ये हमको क्या यूज करना पड़ेगा। अब मैं एक काम कर सकता हूं, कैसे, मैंने इसको यहां नॉट नल बनाया, इसको भी मैं नॉट नल बना दूं, ओके। यहां पे मैं गया यूनिक बन, और यहां दे दिया मैंने आईडी और नेम, ओके। अब देखिए मैंने इसको रन किया, टेबल क्रिएटेड, हमारी प्राइमरी की बन गई। हमको बिना प्राइमरी की का यूज किए हुए हमने दोनों को प्राइमरी की बना दिया, कैसे, आप इस एग्जांपल को समझें। देखिए आप कॉपी में नोट करते चले, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, हम उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, सारे वे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टू आईडी, मैंने यहां तो इसको नॉट नल बनाया, नेम को नॉट नल बना दिया, डिपार्टमेंट बनाया, एज बनाया, सैलरी बनाया, लोकेशन बनाया, यहाँ ये नॉट नल बनाया, लास्ट में जाके चूंकि हम इसको टेबल लेवल में यूज किया कर सकते हैं, यूनिक के माध्यम से मैंने दोनों को आईडी और नेम को क्या बना दिया, यूनिक। तो आईडी और नेम ऑलरेडी पहले नॉट नल बन चुके और अब क्या बन गए, यूनिक बन गए। तो यानी कि आईडी और नेम अब क्या हो गए, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, और प्राइमरी की इंप्लीमेंट हो गया। ऐसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं, अब हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं बिना प्राइमरी की को लिखे हुए, ओके। शायद आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आप इसको नोट कर लें। टेबल मैंने फिर से डिलीट किया, टेबल मैंने फिर से डिलीट किया, मान लो मैं यहां चाहता हूं पहले यूनिक लिख देता हूं, ऐसे आप कई वे में इनको चलाकर देख लीजिएगा। देखिए मैं मोस्टली हर तरीके को आपको समझाने की कोशिश किया, और मैं अब कुछ फील्ड भी इसकी कम कर देता हूँ,
छोटी सी टेबल बनाना चाहता हूं। ये देखिए, मैंने सिर्फ एक फील्ड पहले आईडी लिया, उसमें यूनिक लिखा और नॉर्मल लिखा। अब मैं यहाँ पे नेम लिखता CHAR, नॉर्मली कनेक्टर मैंने लिया, और इसको मैं विदाउट अभी नॉट नल और उसके बनाना चाह रहा। अब देखिए क्या है, यहाँ से इंटर कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने बनाया, इस कमांड को मैंने रन किया, टेबल क्रिएटेड, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले यूनिक कर दें फिर नॉट नल कर दें, आपकी देखिए टेबल क्रिएट हो जाएगी। मल्टीपल आपको चाहिए, मैं इसको भी बनाना चाहता हूँ इसको भी बना सकता हूँ, यूनिक और नॉट। कई रास्ते देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये देखिए। अब मैंने इसको रन किया फिर से, ये देखिए, ओके टेबल क्रिएटेड। आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, आप नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल भी लिखिए, नॉट नल और यूनिक के कई एग्जांपल्स मैंने बताए आपको, ये एग्जांपल भी आप कॉपी में नोट करें। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टू, आईडी नेम यूनिक नॉट नल, एक साथ मैंने दो कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज किया, कॉलम लेवल पे मैंने एक साथ दो कॉन्स्टेंट यूज किया है, यूनिक कॉन्स्टेंट भी मैंने यूज किया और साथ में नॉट नल भी यूज किया, दोनों को मैंने यूनिक और नॉट नल बनाया। जब दोनों यूनिक और नॉट नल बन जाएंगे स्वाभाविक है कि वो क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया, यानी कि ना तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होगी ना तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्राइमरी की के यही फीचर्स होते हैं, ना तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकती है और ना ही उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, इस तरीके से आप कई तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप चला के देख लीजिएगा। मैंने इसको ड्राफ्ट किया, मैंने आपको ऐसे भी करके दिखाया था कि मान लीजिए मैं पहले नॉट नल देता हूँ बाद में यूनिक देता हूँ, यूनिक। अब एक में पहले एक में मैंने बात दिया, फिर से इसको चलाया, टेबल क्रिएटेड, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नॉट नल और यूनिक एक साथ कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट हो सकते हैं, चाहे आप आगे लगाएं चाहे पीछे, इससे कोई डाउट नहीं और आसानी के साथ। तो आज मैंने जो बताया आपको, आप नॉट नल को कॉलम लेवल ही यूज करेंगे यदि ओनली नॉट नल है, टेबल लेवल यूज नहीं करेंगे। यदि यूनिक है तो उसको हम कॉलम लेवल भी यूज कर सकते हैं, टेबल लेवल भी यूज कर सकते हैं, साथ में नॉट नल और यूनिक एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल भी आप लिख लेंगे, सारे एग्जांपल आज के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आज मैंने बताए आपको, कॉन्स्टेंट के साथ काम करना और वैल्यू स्टोर करके तो मैंने दिखा ही दिया, बाकी आप जो बची हुई वैल्यू है स्टोर करके देख लें कि मैंने जैसा कि बोला उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें एट्रीब्यूट स्टोर होंगे, रिकॉर्ड स्टोर होंगे, अदरवाइज वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे तीन कॉन्स्टेंट पूरे हुए। अगला कॉन्स्टेंट हमारा चेक कॉन्स्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज आपको ये सभी जो कॉन्स्टेंट मैंने बताए इनकी प्रैक्टिस करना है और इनको सीखना है। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ओके।